नमस्कार, एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को डायरेक्ट साइट पे ले जाकर एक बनता हुआ खिड़की में लगा हुआ जो ग्रिल है इसके बारे में बताऊंगा। इसका कितना वजन है, क्या इसका साइज है, कितना रुपए का खर्चा आता है इस तरीका से एक खिड़की बनवाने का, आप इस वीडियो में देखिएगा। ये जो खिड़की का काम किया जा रहा है, जो खिड़की का फिक्सिंग का काम है, वो घर के प्लास्टर से पहले आपको करवाना होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि प्लास्टर तक का काम है कंप्लीट कर लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि आखिर किस तरीका से इसका बनावट है, किस तरीके का मटेरियल का प्रयोग किया गया, वजन कितना है और कितना का खर्चा आता है। आप दोस्तों अच्छे तरीके से समझ पाए इसलिए मैं आपको सबसे पहले इसका साइज़ बता दूँ। तो ये जो बॉक्स विंडो आप देख पा रहे हो, इसका बाहर का साइज़ का बात कर ली जाए तो 4 फीट बाय 4 फीट में इसको रखा गया है। लेकिन जो ग्रिल यहाँ पे लगाया गया है उसका साइज़ की बात कर लिया जाए तो 3 फीट बाय 3 फीट का यहाँ पे ग्रिल का काम है वो किया गया। मतलब ये जो आप बीच में लगा हुआ इसमें ग्रिल देख रहे हो उसका साइज़ 3 फीट बाय 3 फीट का यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों, किसी भी खिड़की का मजबूती अगर आपको परखना है तो सबसे पहले आपको उसका जो फ्रेम है उसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि गेट हो या फिर खिड़की हो, जो उसका फ्रेम होता है उस पर आपको खासा ध्यान देना होता है कि किस तरीके से आपको काम करवाना है कि आपका खिड़की मजबूत बने। हालांकि थोड़ा बहुत वज़न आपका बढ़ सकता है अगर आप इस तरीके से काम करवाते हो। क्या काम करवाया गया देखिए, इस तरीके से जो इसका फ्रेम है वो एंगल का बनाया हुआ है। जी दोस्तों, एंगल का बनाने से फ़ायदा ये होता है कि वो अच्छे तरीके से जो आपका विंडो है या फिर बॉक्स डिजाइन या फिर कोई भी डिजाइन हो अच्छे तरीके से वहाँ पे फिक्स हो जाता है। और उसके साथ साथ देखिए आखिर ये होता क्या है एंगल, उसको भी आप देखिए। ये जो आप देख रहे हो ये एल शेप में एंगल बना हुआ होता है, यहाँ पे प्लास्टर किया हुआ है, आप देख सकते हो। बहुत सारे लोग इसके जगह पर पत्ती का इस्तेमाल भी करवा लेते हैं या फिर कुछ लोग स्क्वायर सरिया भी लगवा लेते हैं, तो वैसा आपको नहीं करना है, आपको मजबूत ग्रिल चाहिए। तो कम से कम ये जो आपका फ्रेम है, ग्रिल का फ्रेम है, वहाँ पर आपको एंगल का इस्तेमाल इस तरीके से करवा लेना चाहिए। इसके साथ जो यहाँ पे आप डिज़ाइन देख पा रहे हो, जो सारा सरिया लगा हुआ है स्क्वायर शेप का सरिया है, 10 mm का सरिया यहाँ पे यूज़ किया गया है। अगर आप इससे भी मजबूत चाहते हो तो 12 mm का सरिया का भी इस्तेमाल करवा सकते हो, लेकिन उसमें वज़न है वो ज़्यादा आएगा, वजन ज़्यादा आएगा तो खर्चा भी आपका ज़्यादा आएगा। तो ये देखिए जो सारा जो यहाँ पे देख सकते हो ये जो डिज़ाइन है इस तरीके से मुड़ते हुए यहाँ पे काम है वो किया गया है। ये जो सारा इसमें जो आप सरिया देख पा रहे हो सारा सरिया 10 mm का ही लगाया गया। ऊपर में देखिए कुछ अलग टाइप का यहाँ पर डिज़ाइन का इस्तेमाल है वो किया गया है। और इससे आप चीप एंड बेस्ट ही बोलोगे, बहुत ज़्यादा इसका वज़न में नहीं, वज़न के बारे में बताऊँगा, कितना खर्चा है उसके बारे में बताऊँगा। दोस्तों, अगर आप इस खिड़की को ध्यान से देखेगा तो आप पाइएगा कि इसमें 10 mm का स्क्वायर सरिया के साथ में कुछ रेडीमेड डिज़ाइन का उपयोग भी किया गया है। उससे इसलिए किया गया है ताकि इस खिड़की का जो लुक है उसे बढ़ाया जा सके और इस पर डिफरेंट कलर का उपयोग करते हुए इसका जो लुक है उसे और भी ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके। तो किस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन का प्रयोग किया गया है, क्या इसका रेट है, आइए जानते हैं। ये जो आप देख रहे हो या फिर ये देख रहे हो ये सारा रेडीमेड डिज़ाइन है जो कि सरिया में वेल्ड किया हुआ आप देख पा रहे हो। इसमें बहुत सारा प्रकार और भी है जिससे आप अपने खिड़की में इस्तेमाल करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आपको गोलाकार डिज़ाइन है, उस तरीके से आप पत्ती वाला डिज़ाइन भी यहाँ पे देख पा रहे हो। फुल पत्ती बहुत सारा डिज़ाइन इस ये जो मार्केट में अवेलेबल है डिज़ाइन के अनुसार यूज़ किया जाता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन लगाया गया है, उसके साथ साथ यहाँ पर भी आप पत्ती टाइप का डिज़ाइन आप देख पा रहे हो, उसके साथ साथ यहाँ पर गोलाकार डिज़ाइन भी आप देख पा रहे हो। तो डिज़ाइन के अनुसार ये आपको जो दुकानदार है वो लगा कर देते हैं। बात कर लिया जाए कि आखिर ये जो खिड़की है इसे कितने रुपए में बनाया गया है, इसको जानने के लिए आपको इसका वज़न जानना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रति केजी के हिसाब से जो ग्रिल है या फिर गेट है उसको बनाया जाता है। अगर आप पत्ती में बनवाते हो या फिर स्क्वायर सरे में बनाते हो तो दोनों का रेट सेम ही है। जानते हैं इसका वज़न, तो इस खिड़की को 3 फीट बाई 3 फीट में बनाया जा रहा है, मतलब 9 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है इस ग्रिल को। इसके साथ साथ इसका वज़न की बात किया जाए तो 14 kg इसका वज़न है और पर केजी किस हिसाब से बनाया जा रहा है अभी तो 80 रुपये के आसपास में अभी रेट है वो चल रहा है। तो अगर आप 14 kg का ग्रिल इस तरीके से आपका होता है, अगर आप उसको 80 से गुना करेगा तो आपको 1120 रुपया आ जाता है। मतलब 14 kg ये ग्रिल है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका भी ग्रिल 14 kg होगा, 13 kg हो सकता है, 12 kg हो सकता है या फिर 15 से 16 kg तक भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे वो हो सकता है, लेकिन 14 kg का आप एवरेज मानते हुए चल सकते हो। मतलब 3 फीट बाय 3 फीट का अगर आप एक ग्रिल बनवाते हो तो आपको 1100 से लेकर 1150 के आसपास में खर्चा है वो करना पड़ सकता है।
इस ग्रिल का जो कीमत है 1120 रुपये है। इसके बाद फिक्सिंग करने का चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, मतलब अगर आप अपने मिस्त्री से करवा रहे हो, ठेकेदार से करवा रहे हो, तो ग्रिल आपको सिर्फ ग्रिल का कीमत 1120 रुपया आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।